सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का डीसी ईस्ट यूनिवर्स का कॉमिक फर्स्ट पॉडकास्ट में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है HBO ओरिजिनल, और जो कि एक HBO मैक्स ओरिजिनल भी आप कह सकते हैं, और जो अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, वो है हाउस ऑफ ड्रैगन्स। तो हाउस ऑफ ड्रैगन्स जो है ये गेम ऑफ द थ्रोन्स का एक प्रीक्वल सीरीज है 190 ईयर्स बिफोर द गेम ऑफ थ्रोन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ थैगेरियंस में भी। अगर मैंने नाम गलत बोला है तो ज़रूर आप लोग मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम नॉट वेरी वेल अबाउट द गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली हाउसेज नेम, बट आई हैव सीन गेम ऑफ थ्रोन्स क्लाइमैक्स सीजन 8, सो आई एम वेरी मच अ ह्यूज फैन ऑफ दैट थिंग। सो इसीलिए मैंने ट्यून इन किया ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड आई हैव वॉच द सीरीज। तो उसी के बारे में आज जो पॉडकास्ट है सीजन 1 का पॉडकास्ट वो होने वाला है। इसके बाद जो है मैं सीजन 2 का जो स्निक पिक वाला एक ट्रेलर निकला है उसका भी रिएक्शन करने वाला हूँ आज ही, वो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू इन 3, 2, 1 शुरू करते हैं। और गाइस शुरू करने से पहले एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन आपको दिखाई जा रहा है, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आप लोग एक भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। इस चैनल में हम डीसी को तो डीसी यूनिवर्सिटी से जिले डीसी हमारा मेन कॉन्टेंट है वो तो कवर करते हैं, लेकिन साथ में हम लोग जो है मार्वल डिजनी प्लस शोज और अमेजन प्राइम्स ओरिजिनल लाइक द बॉयज एंड समर इट एंड मूवी जो है वो सब कंटेंट, और साथ में गेम्स ऑफ थ्रोन्स और HBO मैक्स ओरिजिनल जितने भी शोज है जैसे कि रेज बाई वुल्फ वो सब भी कवर करते हैं और कवर करने वाले हैं ऑन डाउन द रोड। तो इसीलिए आई जस्ट वॉन्ट टू से यू गाइज कि ये मतलब ये जो चैनल है वो ये कोई बेस्ट चैनल नहीं है, बाइस चैनल नहीं है डीसी का। आप लोगों के सबके साथ मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, अगर कुछ अच्छा लोग निकलेगा तो मैं ज़रूर अच्छा बोलूँगा, अगर अच्छा नहीं निकलेगा तो अच्छा नहीं बोलूँगा। दैट इज़ नॉट बींग बाइस्ड, सो कीप सपोर्टिंग अस, हेल्प अस ग्रो। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1K, वी आर इन 749 or 50 मे बी नाउ, तो सिर्फ 250 सब्सक्राइबर बाकी है। तो ज़रूर गाइज आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और हमारा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो कर सके एज अ कम्युनिटी इन द फुल यूनिवर्स ऑफ कॉमिक बुक एंड साइंस फिक्शन यूनिवर्स। सो या दैट्स आवर मेन थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन्स। तो ये जो एपिसोड था, ये जो सीरीज है, इसके बारे में मैं कुछ बात पहले बोलना चाहता हूँ, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। मैंने आज तक 2010 से आई एम वॉचिंग मूवीज़ एंड सीरीज एवरी डे, एवरी वीक मे बी। मैंने बहुत सारे साईफाई थिंग कवर किया है, हॉलीवुड का हो जाए, बॉलीवुड का हो जाए। आई एम फ्रॉम इंडिया सो आई हैव सीन बॉलीवुड, एंड आई एम फ्रॉम बंगाल ऑल्सो सो आई हैव ऑल्सो सीन टॉलीवुड ऑल्सो, मे बी साउथ मूवीज ऑल्सो। बट आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जैसे, क्योंकि मैंने गेम्स ऑफ थ्रोन का प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन्स में देखा है। मतलब जो सीरीज में जितना मतलब ये लोगों ने जो लिमिट एक्सटेंड कर दिया है ना भाई साहब, वो क्या ही था, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। मतलब इट्स अनबिलीवेबल दैट दे हैव मेड सच चेंजेस इन देयर स्टोरी लाइन, एंड टुडे दे आर गिविंग अस सच स्टोरीज। मतलब जो दिखाया गया है वो हम लोग अभी तक सिर्फ PG-13 रेटिंग में सिर्फ हम लोग वो उसके बारे में कुछ ग्लिम्स देखे, उसके बाद वो सीन कट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाता है वो क्या है मैं आप लोगों को नहीं स्पॉइल करूँगा, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा लेंगे आप लोग। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट व्हेन आई वॉज वॉचिंग दैट सीन आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग वेल। मुझे अंदर से बहुत क्रीपी फील हो रहा था, महसूस हो रहा था, आई वॉज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। इट वॉज वेरी वेरी रिड्यूकुलस, लेकिन इट वॉज वेरी इंगेजिंग। सो इसीलिए मैं आई कॉन्ट स्कीप द सीन ऑल्सो दैट बिकॉज देयर वॉज समथिंग गोइंग ऑन विच वी कॉन्ट मिस। बट दैट सीन द वे दे हैव पोर्ट्रेट दैट सीन, दैट्स वेरी वेरी आई कॉन्ट से इट। जितने बार मुझे याद आ रहा है, मतलब मैंने आज तक बहुत कुछ देखा है, मतलब स्ट्रेंज थिंग्स देखा है, सेंजोश देखा है, स्क्विड गेम्स देखा है, सेक्रेट गेम्स देखा है इंडिया का बहुत फेमस, मिर्ज़ापुर देखा है, फिर बहुत सारा ब्लड ऑफ ब्लड देखा है, बहुत सारा चूज देखा है। लेकिन ब्लड गोर सुसाइड स्क्वाड में भी हम लोग देखते हैं डीसी का, DCU में, पीसमेकर में देखे। लेकिन इस तरह का कुछ जो दिखाया गया है वो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, प्योर एडल्ट फैमिली कॉन्टेंट। मतलब ये चीज़ आप बच्चे के साथ तो दूर की बात है, आप खुद भी बैठ के नहीं देख सकते, ऐसे एक मतलब चीज़ है ये। तो दैट्स वेरी यूनिक अबाउट द सीरीज़। और इसमें और एक जो चीज़ है जो कि बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स में था, जो कि उसका USP था, वो है ड्रैगन्स। ये हाउस ऑफ ड्रैगन्स है, मतलब यहाँ पे एक ड्रैगन हिल है जहाँ पे वो लोग रहता है, उन लोगों का जो
मतलब जो वाइट हेयर स्पीसीज है उन लोगों का एक खुद का एक मतलब टाउन है, जो कि वो लोग आफ्टर द डूम्स डे वो हैव दे आर फर्स्ट एम्पायर देयर फर्स्ट डायनेस्टी हैव सेटन इन फूड्स हेयर विद 9 ड्रैगन्स और दे आर ड्रैगन राइडर्स. सो दे बेसिकली यूज टू ट्रेवल ऑन द बैक ऑफ ड्रैगन्स. सो दैट इज़ द थिंग हेयर मेनली. सो ड्रैगन्स जितने भी दिखाया गया है अभी तक उसका जो CGI है मतलब क्या बोले, लाजवाब लग रहा है. रियल ड्रैगन्स है वो. और अभी जो डाउन द रोड जो भी एपिसोड आने वाला है एपिसोड 2 में, वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन्स दिखने वाला है. और इन लोगों के साथ में ड्रैगन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है, क्योंकि इन लोगों का जो कैरेक्टर ट्रेट है उस वाइज से इन लोगों को अपना ड्रैगन्स चूज करने को मिलता है. ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत एवटार जो जेम्स कैमरून का मूवी आया था उससे रिलेट करता है. एवटार में हम लोग कैसे देखा था कि एवटार वाला जो मतलब जो स्पीसीज था जो कि फ्लाई कर सकता था, वहाँ पे भी शायद ड्रैगन जैसा कुछ था. वो एवाटार का जो खुद का ट्रेट है, जो खुद का उसका एबिलिटीज है, उसके हिसाब से ड्रैगन की एबिलिटीज मैच करता था. तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो ड्रैगन बहुत फियर से बहुत मतलब गुस्सेलू है, उसके साथ जो है ईविल कैरेक्टर्स को टीम अप किया गया है. जो ड्रैगन्स बहुत मतलब शांत है लेकिन बहुत मतलब स्टेबल है और पावरफुल है, उसके साथ जो है किंग और क्वीन जैसे कैरेक्टर्स को रेड किया गया है. जैसे कि रेनेरा एक है, उसके साथ जो है उसका जो ड्रैगन है वो बहुत ही मतलब पावरफुल है, लेकिन उसको मतलब कंट्रोल पूरा है उसके ऊपर रेनेरा का. और वो ड्रैगन जो है वो मतलब रेनेरा जैसा ही है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत उड़ना घूमना पसंद करता है. तो ये जो जितना भी शॉट दिखाया गया है ड्रैगन्स का वो बहुत ही मुझे पसंद आया है. तो ये कहानी जो है 190 ईयर्स पहले शुरू होता है गेम ऑफ थ्रोन्स का. वहाँ पे जो है मैंने पहले ही बोला फर्स्ट डायनेस्टी का जो किंग था उसने अपना किंगडम सेटअप किया आफ्टर द लॉन्ग डूम्स डे एंड लॉन्ग विंटर आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग इन द 7 रिम्स. दे हैव सेटअप दिस ड्रैगन हिल प्लेस वेयर दे कैन रूल देयर ओन रेन एंड दे हैव द ड्रैगन्स विद देम ऑल्सो 9 ऑफ द ड्रैगन्स. और लेकिन उस टाइम पर जो राजा था उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उसका कोई मतलब मेल हायर नहीं था जो कि उसको थ्रोन में सक्सेस कर सके. तो इसीलिए राजा जो है वो पहले सबसे पूछता है रिकमेंडेशन के लिए कि उन लोगों को क्या लगता है, बाकी सब जितने भी कोर्टियर्स है कि कौन हो सकता है राजा का अपना पोटेंशियल हेयर. तो वहाँ पे 14 रिकमेंडेशन आता है. उन 14 रिकमेंडेशन के बीच में से राजा दोनों ही रिकमेंडेशन को फाइनली चूज करता है. एक है उसका एल्डेस्ट डॉटर जो कि है एक लड़की जो अभी तक जिंदा है, और जो है विसेरस, किंग विसेरस जो कि उसका कज़न और एल्डेस्ट मेल कैरेक्टर, लेकिन वो राजा का खुद का बेटा नहीं था, वो राजा का भाई का बेटा या शायद ऐसे कुछ किसी का बेटा था. ठीक है, तो ये जो डिसीजन है यहाँ पे राजा को फाइनली लेना पड़ता है. द डे ऑफ सिलेक्टिंग द नेक्स्ट प्रिंस हैज़ कम एंड राजा ने वहाँ पे सब ने सोचा था कि शायद राजा का खुद का बेटी है वो लड़की जो कि है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं हो रहा है, वो कि जो विसेरस का जो कज़न है वो लड़की राजा खुद की बेटी है, तो शायद उसको ही राज दरबार दिया जाएगा. लेकिन राजा ने बोला कि नहीं, द क्वीन कैन नॉट बी द रूलर ऑफ आवर 7 रेम्स किंगडम, तो इसीलिए मुझे 7 वर्ल्ड्स किंगडम सॉरी, तो इसीलिए आई विल चूज द कज़न ऑफ माई द कज़न सन ऑफ माई ओन ब्रदर द कज़न ब्रदर ऑफ माई ओन डॉटर दैट इज किंग विसेरस टू बी द थ्रोन्स न्यू हेयर. तो यही जो है बहुत बहुत बड़ा एक ट्विस्ट यहाँ पे शुरू हो गया था फैमिली हिस्ट्री में. बहुत बड़ा एक मतलब क्या बोले सेल्फिशनेस और एक दूसरे की तरफ जेलस होना का एक स्टोरी कहानी बहुत से बहुत शुरू हो गया था. इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि आफ्टर डैट रेन द फर्स्ट डायनेस्टी वाज ओवर फॉर द 9 इयर्स किंग विसेरस वाज द किंग ऑफ दिस ड्रैगन लैंड. जहाँ क्या स्टोरी अब लोग अभी हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में आफ्टर 9 ईयर्स ऑफ किंग विसेरस रेन वो चल रहा है. और किंग विसेरस का जो है अभी तक एक बेटी है जो कि रेनेरा, और बहुत सारे चाइल्ड जन्मा है लेकिन वो सब मारे गए हैं, मतलब मार दिया गया है कि मर गया है यह अभी रिवील नहीं किया गया है. लेकिन शी हैज द क्वीन हैज गिवन बर्थ टू लॉट्स ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड दैट इज द रीजन द किंग इज जस्ट वांटिंग द क्वीन टू प्रोड्यूस अ मेल हेयर टू हिज थ्रोन सो दैट ही कैन बी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दिस डायनेस्टी. तो यही स्टोरी चल रहा है. तो अभी भी क्वीन जो है वो मतलब प्रेग्नेंट है, और लेकिन किंग का जो एक खुद का एक मतलब वंशज है जो कि है किंग का खुद का एक भाई है, उस खुद का भाई जो भाई है वो भी डेमन टैगेरियन. और ये जो डायनेस्टी है ये डायनेस्टी का नाम है टैगेरियन डायनेस्टी, और डेमन टैगेरियन है वो जिसका नाम है. तो डेमन टैगेरियन जो वाइट हेयर वाला मेल है आप उन लोगों से उसको पहचानते हैं शायद, वो गेम्स ऑफ थ्रोन्स में भी था. तो डेमन टैगेरियन जो है वो अभी यहाँ पे सोच रहा है कि मुझे बनना चाहिए किंग का बाद में खुद किंग, क्योंकि जो किंग है विसेरस उसका कोई मतलब मेल
मेल हेयर नहीं है, उसका सब फीमेल डॉटर्स है और उसमें से एक ही है अभी जो मतलब बड़ा हुआ है टू प्रोसेड टू द थ्रोन, दैट इज रेनीरा। लेकिन रेनीरा क्योंकि रेनीरा लड़की है इसीलिए शायद वो नहीं मिले, उसको नहीं मिलेगा गद्दी। तो डेमन टारगेरियन का मेन मोटिव है वो राजगद्दी, यानी कि द रॉयल थ्रोन, गेम ऑफ द थ्रोन विद स्पाइक्स। तो यहाँ पे जो दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्टोरी जो आगे बढ़ता है ऐसे करके, तो हम लोग देखते हैं कि जो वॉच टावर है वहाँ पे डेमन टारगेरियन को एज अ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर बॉर्डर्स द गाइड ऑफ द बॉर्डर्स रखा गया है और वो अपना काम वहाँ पे कर रहा है। लेकिन वो काम करते करते वो बहुत ही रूथलेस हो चुका है और उसका जितने भी उसके सामने जितने भी एनिमीज आ रहा है या जितने भी एलाइज आ रहा है बाकी सारे देशों से, उस सबको वो रूथलेसली मार रहा है ताकि टू इम्प्रेस द कोर्टमैन एंड टू इम्प्रेस द कंट्री पीपल सो दैट ही कैन बी द नेक्स्ट क्वीन, तो नेक्स्ट किंग सॉरी। सो यहाँ पे जो है कुशोरी आगे बढ़ रहा था, तो इसी टाइम पे एक मतलब स्पोर्ट्स इवेंट रखा जाता है जहाँ पे दोनों किंगडम के बीच में फाइट, दोनों किंगडम के प्रिंसेस के बीच में फाइट होने वाला है, जहाँ पे डेमन टारगेरियन ये ड्रैगन हिल्स को रिप्रेजेंट करता है और बाकी सारे सेवन वर्ल्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसेस भी आता है। तो इस फाइट में डेमन टारगेरियन फाइनली हार जाता है। लेकिन इसी टाइम पे जो होता है बीच में से कि जो प्रेगनेंट क्वीन था ऑफ किंग विसेरस वो अपना जो बेबी है उसको बर्थ देने वाला ही होता है, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि शायद क्वीन बच सकता है या जो आने वाला जो डॉटर या सन जो भी है वो मतलब बच्चा जो है वो बच सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किंग को हैव टू किंग हैव टू टेक द डिफरेंट वेरी हार्ड डिसीजन कि आइदर ही विल चूज फॉर वन ऑफ देम टू सर्वाइव और आइदर ही विल वेट ऑन गॉड्स। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि शायद दोनों ही मर जाए, माँ ही मर जाए बच्चा भी मर जाए। तो इसी टाइम पे जो सिचुएशन है इस टाइप के सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में किंग विसेरस फंस जाता है। और इसी टाइम पे जो होता है कि विसेरस के बाद जो है विसेरस बहुत सोचने के बाद अपना जो हार्डेस्ट डिसीजन है वो ले लेता है जो कि उसको लेना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। वो बोलता है कि नहीं, अगर बच्चा नहीं निकल रहा है तो उसका वूम काट दो, जो कि बहुत ही मतलब एक रिकुलस सीन था, और वहाँ से जो है बच्चा को निकाल लो। तो इसीलिए उसके बाद जो होता है जो बच्चा जो है वो तो निकल जाता है, लेकिन उसका जो माँ है वो भाई भी ब्लड लॉस होने की वजह से वो मर जाता है। शी इज़ डेफिनेटली डेड नाउ। एंड नाउ उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रेनेरा है वो भी अपना माँ को लास्ट श्रद्धांजलि देने आता है, साथ में डेमन टारगेरियन भी उसके साथ होता है। डेमन टारगेरियन असल में उसका अंकल है लेकिन उसको पसंद करता है, और डेमन टारगेरियन उसको बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं जैसे कि नेकलेस हो जाए और बहुत सारी चीज़ ऐसे कुछ दिखाया गया है, क्योंकि जो ये जो मतलब डायनेस्टी है ये डायनेस्टी के लोग अपने आप के बीच में ही संबंध बनाते हैं ताकि इन लोगों के मतलब ब्लड लाइन जो है वो कंटिन्यू हो सके और बाहर का कोई लाइन के साथ इन लोगों का ब्लड का मिक्सचर ना बन जाए। इसीलिए हम लोग देखते हैं बाद में जो किंग का जो मतलब किंग विसेरस जो है उसका जो फर्स्ट रॉयल कमांड है यानी कि फर्स्ट जो मिनिस्टर है जनरल कमांडेंट है उसका, वो भी अपने बेटी को भेजता है किंग को लुभाने के लिए ताकि किंग का जो ब्लड लाइन है वो उसकी फैमिली में भी बिलोंग करे। तो ऐसे ही सब कुछ इंसेस्ट जैसा चीज़ इस फैमिली में हो रहा है, इस डायनेस्टी में हो रहा है ताकि इन लोगों का ब्लड लाइन इसी फैमिली के साथ ही जुड़ा रहे और बाहर की किसी के साथ पाइल या कंपाइल या मिक्स ना हो जाए। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही मतलब रियलिस्टिक कंसेप्ट है, पहले दिनों के राजा महारानियों के बीच में ऐसा सब होता था। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दैट इज़ अ लव एंगल बिटवीन द डेमन टारगेरियन एंड ऑल्सो रेनीरा टारगेरियन ऑल्सो। सो ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि रानी जब मर जाता है उसके बाद जो है जो बच्चा जन्म होता है वो एक बॉय होता है, बेबी बॉय, जो कि फाइनली राजा को लगता है मतलब विसेरस को लगता है किंग विसेरस को कि मेरा एक मेल हेयर हुआ है जो कि मुझे सक्सेस करेगा टू द थ्रोन टू बिकम द नेक्स्ट किंग ऑफ द थ्रोन्स। लेकिन वो जो बॉय है वो बहुत ही जल्दी मर जाता है विद इन 4 to 5 hours ऑफ इस बर्थ। टू डैट इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी हेयर, जो कि बहुत ही बड़ा एक मतलब ट्विस्ट की तरह इस एपिसोड में आता है कि रानी भी मर जाता है और साथ में राजा भी मर जाता है। तो इसी टाइम पे जो कोर्टियर्स है वो सब एट द क्लाइमेक्स ऑफ द एपिसोड राजा को मतलब बोलता है कि अगर आपका रानी अभी बचा नहीं है, जिंदा नहीं है, तो आपका जो मतलब हेयर लाइन है मतलब जो फैमिली लाइन है वो आगे बढ़ने कोई मतलब कोई प्रश्न ही नहीं आता है अभी। तो यू हैव टू चूज अ न्यू एयरर सो दैट द इन डायनेस्टी कैन कंटिन्यू, बिकॉज अभी रेनीरा सिर्फ एक ही चाइल्ड है आपका जो बचा हुआ है, और आपका जो नेफ्यू है मतलब खुद का नेफ्यू नहीं है सॉरी खुद का जो भाई है ब्रदर वो बचा हुआ है डेमन टारगेरियन, तो आप दोनों में से किसको चूज़ कर रहे हैं। तो इसी पहली बार जो है वो इसी टाइम पे पहले तो बहुत मतलब किंग विसेरस डेमन टारगेरियन को बहुत सारी गलतियों के बाद भी अपना भाई है इसीलिए माफ़ करते आ रहा था, और उसका ब्लड लाइन जो है वो सब छीनने की कोशिश मतलब छीनने की कोशिश बहुत सारे लोग उसको कोर्ट से निकालने की रॉयल कोर्ट से निकालने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन हिज ग्रेस मतलब किंग विसेरस ने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था डेमन टारगेरियन को, उसको बहुत बार माफ़ करते हुए आ रहा था। लेकिन डेमन टारगेरियन ने जब ये बात सुना कि रानी के मरने के बाद भी एक मतलब रेनीरा को कोशिश कंसीडर कर रहा है किंग, तब
डेमन टैगेरियन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर सकता है और किंग को बहुत सारा कुछ बोल देता है। इसी टाइम पर किंग को भी पता चलता है कि जो डेमन टैगेरियन है वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना कोशिश कर रहा है जो भी हो जाए ताकि वो अपना थ्रोन को कैप्चर कर सके। और उसका उसको अगर थ्रोन कैप्चर करने के लिए अपने भाई को भी मारना पड़े यानी कि किंग विजरस को भी मारना पड़े तो वो मार देगा। तो ये बात सुनने के बाद किंग विजरस बहुत गुस्सा हो जाता है डेमन टैगेरियन के ऊपर। और ये भी बात उसको पता चलता है कि वो बहुत ही मतलब जिस दिन किंग क्वीन मर गया था उस दिन क्वीन का मौत को मॉन नहीं करके वो खुद राजा बनेगा। इस चीज़ को वो सेलिब्रेट करने पैसा और लड़कियों के साथ चला गया था एंजॉयमेंट पार्टी करने। ये बात सुन के किंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और किंग वहाँ से डेमन टैगेरियन को निकाल देता है कोर्ट से, अपना कोर्ट से। और वो फाइनल डिसीजन ले लेता है कि उसका जो बेटी है वो पहला रेनिरा वो पहला क्वीन ऑफ द थ्रोन्स बनेगा। और उसके वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो थ्रोन्स का जो मतलब चेयर है उसमें जब बैठता है जाके किंग, उस जहाँ पे बैठने के बाद उसका जो फिंगर है वो फिंगर कट जाता है। और यह एक बहुत ही मतलब बड़ा मिथ है गेम ऑफ थ्रोन्स की वर्ल्ड में कि जिस भी मतलब डायनेस्टी का रूलर वो थ्रोन सीट में बैठेगा अगर उसको एक भी कट आ गया शरीर से उस थ्रोन सिर से तो वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, वो भी जल्दी ही मर जाएगा। तो इसी टाइप पे एक मतलब इस तरीके भी दिया गया है स्पॉयलर की तरफ से कि बहुत ही जल्दी हम लोग देखने जा रहे हैं कि किंग विजरस का भी खात्मा होने वाला है या एंड ऑफ रेन होने वाला है। तो यही जो स्टोरी है ये सीजन वन और एपिसोड वन ऑफ हाउस ऑफ ड्रैगन का स्टोरी है। इसका बाद में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो स्नीक पीक जो ब्रेकडाउन है वो मैं अगले वीडियो में करूँगा जहाँ पे मैं डायरेक्टली रिव्यू करूँगा जो ऑफिशियल ट्रेलर आया है गेम्स ऑफ थ्रोन्स की तरफ से कि जो सेकंड वीक है उसमें क्या क्या हम लोगों को देखने मिलेगा। तो ये जो एपिसोड है मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, इसका एडिटिंग, इसका जो मतलब साउंड वर्क है वो ओरिजिनल BGM गेम ऑफ थ्रोन्स वाला यूज़ किया गया है इसलिए बहुत एंगेजिंग है। और उसका जो मतलब कुछ सीन्स था वो इतना ही यूनिक था और जो स्टोरी लाइन था वो बहुत ही कॉम्पैक्ट था इसलिए मुझे ये बहुत ही हाई रेटेड सीरीज है मेरे लिए। द रेटिंग फॉर दिस एपिसोड विल बी फ्रॉम मी अ 10 out of 10। आई वाज जस्ट ब्लोन अवे एंड कांट वेट फॉर द सेकंड एपिसोड व्हिच इज़ कमिंग ऑन संडे। और ये लाइव स्ट्रीम होता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जबकि फ्रॉम 6:30 AM to 7:30 AM इन द मॉर्निंग। तो अगर आप लोगों को चाहिए एक साथ में देखने के लिए तो आप लोग लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार विद द पीपल हु आर वॉचिंग इट लाइव ऑन HBO ऑन संडे नाइट्स इन अमेरिका। तो गाइज यही था मेरा रिएक्शन। तो अगर आपको ये मेरा हाउस ऑफ ड्रैगन्स एपिसोड वन वाला पॉडकास्ट ब्रेकडाउन और जो स्टोरी मैंने बोला है अभी तक वो अच्छा लगा, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट लगा तो जरूर चेक, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए सीरीज़ को, अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हिट द बेल आइकॉन। और अंटिल नेक्स्ट टाइम #HouseOfTheDragons एंड GOT।